अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, मैं हूँ उस्मान अमीन दुर्रानी। बहुत अच्छे बात आप लोग के सामने K2 टेलीविजन पर। अच्छा जी, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एसएन बाजवा आपके सामने भी आएंगे K2 डिजिटल पे, लेकिन उनकी जगह पे आज हम पिशावर से शो कर रहे हैं। बहुत हो गया भाई इस्लामाबाद से शो, पिशावर पे शोज वैसे भी K2 पे थोड़े से कम हुए, तो मैंने कहा यार एक हम एक स्पेशल एपिसोड कर लेते हैं K2 डिजिटल की। तो आज आप लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे, मैं आपकी कॉल्स लूंगा और आपको वो कमाल कमाल की वीडियोस दिखाऊंगा जो कि वायरल हुई हुई है हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, जिन पे है हमारे जो K2 की ऑनलाइन प्रेजेंस है, और उसके साथ साथ खैबर डिजिटल एज वेल एज पॉडकास्ट वैरायटी। खैबर डिजिटल K2 डिजिटल थोड़ा सा फर्क है, K2 डिजिटल इज द शो, खैबर डिजिटल जो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है खैबर की प्रोग्राम्स की। तो उनकी जो सबसे वायरल कंटेंट है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और मिलियंस में, मल्टीपल्स ऑफ मिलियंस में उनकी जो व्यूज़ है, तो ऑफकोर्स आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इसलिए उनकी व्यूज़ इतने आए हुए। तो वो आपके साथ स्क्रीन पे हम वापस लाकर इस स्क्रीन पे शेयर करेंगे और साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेंगे। तो हमारा फोन नंबर आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा, पिक अप योर लैंडलाइंस, अनलॉक योर मोबाइल फोन्स, हमारे नंबर में लाइए, हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपकी फेवरेट वायरल वीडियो कौन सी है K2 की। और अब चलते हैं, मैं कहता हूँ हमारी जो पहली वीडियो है इट इज अबाउट माइये। मैंने माइये थोड़े से लेट सुने थे जिंदगी में, आई बिलीव इट वॉज 2019 में आई वॉज इन एबटाबाद, और एबटाबाद में उधर पहली बार मैंने माइये सुने थे। और ओ हो अच्छा सिंगर होना और अच्छा माइये होना यार, मज़ा ही आ जाता है। इधर पठानों के टपे और उधर हमारे हज़ारे भाइयों के या हिंदी स्पीकिंग जो हमारे भाई हैं उनके जो माइये हैं ना, क्या ही बात है यार। तो बहुत मज़े के एक माइये, मंदरी नगीने दी, आई एम सॉरी, प्लीज़ अगर मुझसे कुछ वो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है जी। और हिंद को ज़ुबान के एक बहुत मज़े का माइया है। इसका थोड़ा बहुत आपको बता दूँ, इसकी जो रीच है वो है 60,000 लोगों तक इसकी रीच पहुंची है। और ये 23rd अक्टूबर 2022 लास्ट ईयर के अक्टूबर में ये ऑन एयर हुआ था। जिस प्रोग्राम में ऑन एयर था उस प्रोग्राम का नाम है डेडी, और क्या ही प्रोग्राम है, फैन फेवरेट, हज़ारों में तो जो उसकी व्यूअरशिप है, जो उसकी फॉलोइंग है। और यार रियली आप लोग मुझसे बेहतर, आप लोगों को पता है डेडी का। चलते हैं माइये सुनते हैं जी। नाज़रीन हाज़रीन, तो ये था मंदरी नगीने दी, हिनको का एक बहुत मज़े का माइया था। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है इस टाइम पे पैनल पे जो है गुलाम मुहीद्दीन साहब, वो है हज़ारे के, और उन्होंने आके अभी मेरी थोड़ी सी क्लास ली है कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह मुंदरी नहीं, मंदरी इस तरह। आई एम सॉरी अगर मैं दोबारा गलत कर रहा हूँ, जी एम साहब माजर चाहता हूँ, ठीक है। तो खैर एनीवे, उन्होंने अभी आके करेक्शन की, लेकिन मेरे ख्याल में मैं बहुत निकम्मा शागिर्द निकला और फिर मैंने गलती कर दी, तो मैं सब हज़ारा स्पीकिंग लोगों से माजर चाहता हूँ यहाँ पे जी। डेडी में काशिफ मलिक साहब जो है यार, उनकी बात ही कोई और है। उनके साथ ऑफकोर्स मैंने आई वाज इन एबटाबाद, तब तो मेरा ताल्लुक था, लेकिन अभी इवन वेल जब मैं इधर पिशावर में होता हूँ और वो वहाँ पे होते हैं इस्लामाबाद, तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ मेरा ऑन एंड ऑफ रब्ता रहता है। बहुत कमाल के इंसान है, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और बहुत एक उनकी एक गहरी सोच है, जो बात करते हैं तो उसमें वजन होता है। ऑफ कोर्स वकील भी है, वकील को बात करने का तो अंदाज़ा होता ही होता है, लेकिन कमाल के इंसान हैं काशिफ साहब। ऑफ कोर्स उनके साथ जो बाकी दो कैरेक्टर्स हैं वो भी अपने आप में बहुत मज़े मज़े कॉमेडियन और शायर है और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ है, लेकिन काशिफ मलिक साहब यार कमाल के बंदे हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं अहवाल हज़ारा। मेहर सिमाप साहब बहुत अरसे से वो ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं अहवाल हज़ारा, हमारी ये जो हरिपुर और उसके इर्द गिर्द जितने भी सारा ये रीजन आ रहा है उसे कवर करते हैं, हर किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत मज़े मज़े की उनकी क्लिप्स पहले भी वायरल हुई है। टिकटॉक के बहुत शौकीन है, थोड़ा सा शेयर करूँ। टिकटॉक बनाते हुए एक दफ़ा उनका के साथ एक हादसा बस होते होते बच नहीं गया, तो हो गया था, लेकिन शुक्र अलहमदुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी उनकी बच गई थी। टिकटॉक के बहुत शौकीन है मेहर सिमाप साहब, लेकिन अहवाल हज़ारा का जो ये वाला क्लिप है ये भी बहुत वायरल हुआ था। 31st अक्टूबर 2022 में ये ऑन एयर हुआ था और 320,000 इसकी रीच है।
320,000 लोगों तक इसकी रसाई हुई थी, और अभी हमने नीचे से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ते जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये है हजारा के एक गांव है पनिया, एक गांव है जिधर की चारपाइयां पूरी दुनिया में मशहूर है। और यार जो भी हो जाए ना, जितने भी आपके घर पे एक बहुत मज़े का आलीशान एक वो कंफर्टेबल किस्म का बेड हो, उसमें वो आजकल वो पता नहीं कौन से वाले फोम आए हुए बड़े फैंसी फैंसी किस्म के, और वो भी आई डोंट नो कौन सा जेल और ये जेल और वो वाली वेव और वो वाला एयर, लेकिन वो चारपाई का जो अपना एक सुकून है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है यार, ये अपने मॉडर्न एमेनिटीज़ अपनी जगह पे, लेकिन वैसे ही बंदे का दिल करता है, मेरे पीछे बरांडे में घर पे कुछ चारपाइयाँ वगैरह लगाई हुई, तो वैसे ही बंदा उधर जाके लेट जाता है, मौसम ख़ास तौर पर जब प्यारा हो उसका अपने एक मज़ा होता है। तो दुनिया भर में ये मशहूर है चारपाइयाँ, ये कैसे चलते अहवाल हज़ारा के इस क्लिप में देखते हैं जी। तो नाज़रीन व हाज़रीन, सिर्फ पलंग ये चारपाइयाँ और चटाइयाँ लोग ख़रीदना पसंद नहीं करते, इसके अलावा इसके बारे में वीडियोस भी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते, जिसका हमें इसकी व्यूअरशिप से पता चल रहा है कि इसकी रीच 320,000 तक हुई है। और आइडिया हो जाता है ना कि अब लोगों को पसंद क्या है। ठीक है यार, जिस तरह बात हुई ना कि शहरों वगैरह में, जिस तरह मेहर सिमाम साहब ने पूछा कि वो लोग अभी ये थोड़ा सा मॉडर्न फर्नीचर, तो उन्होंने कहा नहीं, शहरों में भी अभी ये पसंद होता है, शहर छोड़े सऊदीया कतर और यूएई वगैरह में भी ये वो लेकर जाते हैं लोग, वहाँ पे मंगवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक ये अरब कंट्रीज़ में ऑफकोर्स पाकिस्तानी बहुत है, पठान तो ख़ास तौर पे बहुत है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानीज बहुत है, हमारे हज़ार रीजन से भी लोग बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे K2 के व्यूअर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा है, वहाँ से भी अगर जो कोई देख रहे हैं तो आप हमें कॉल कीजिएगा, बताइएगा। तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक माहौल, अपने ये रिवायात, अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, और अपनी ये ट्रेडिशनल चीज़ें वगैरह, अपनी महफिलें उसी तरह उनकी होती है, और उन्हें जगाए रखा हुआ है इस सब कुछ को। एक जो बात की उन्होंने बड़े मज़े की उसके हवाले से, कि ये बड़े शादी ब्याह वाले जो वो होते ना पलंग होते, तो वो यार उस पर भी ठीक ठाक आई एम श्योर काम होता होगा, लेकिन फिर भी बड़े रीज़नेबल प्राइस में वो बिकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ऑफ़ कोर्स हर एक बंदा ये लाखों लाखों के फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकता है जो कि आजकल फैशन बना हुआ है, तो उनके लिए वैसे ही बड़ी एक ट्रेडिशनल हमारी कल्चर और बहुत कंफर्टेबल एक मज़े की चीज़ है, उसके साथ थोड़ी सी रीजनेबल भी हो जाए जेब पे, तो वैसे ही अच्छा होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम, लेकिन इलाका वही हम पकड़े रखते हैं हज़ारा रीजन। वहाँ पे हमारे एक अकाजी आरिफ साहब एक बहुत मज़े का शो करते थे जिसका नाम था K2 शो, बहुत बड़े लेवल पे एक ग्रैंड शो होता था और बड़े दूर दूर से लोग आते थे, मैं खुद भी एबटाबाद में एक दो दफ़ा मौजूद था जब वो शो हुआ था, और बड़े लोग उसके लिए कतारें लगी हुई होती थी, और वो गिफ्ट्स और प्राइजेस और माहौल और हल्ला गुल्ला, बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं वहाँ पे, बहुत खुशी से अटेंड करते हैं, शिरकत करते हैं उसमें, और उसके साथ साथ वो देखने में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें बहुत यूनिक यूनिक लोग आ जाते हैं, उनके कुछ टैलेंट्स होते हैं ख़ास ख़ास। इसी तरह की एक बहुत बुज़ुर्ग सी एक खातून थी, एक बहुत मज़े की इस तरह की बुज़ुर्ग औरत थी, उन्होंने जिस तरह अर्ली माहिए की बात हो रही थी, उन्होंने एक माहिया सुनाया, और क्या ही कमाल था उनकी आवाज़ में। आइए ज़रा माहिया सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं वीडियो के बाद से आपको बताता हूँ। आवाज़ तो मज़े की थी बेबी की, और साथ साथ फिर जो काजी साहब के साथ जो उनकी गपशप लगी वो भी बहुत मज़े की थी। अच्छा जी, इसकी जो रीच हुई है वो है 460,000। जी हाँ, 460,000 लोगों तक इस वीडियो की रीच गई है, विच इज़ अ बिग डील, और हम आहिस्ता आहिस्ता और वीडियोज़ आपको दिखाते जाएंगे, वो इससे भी ज़्यादा है। आपको एक और चीज़ मज़े की बताता जाऊँ साथ साथ, कि अभी हमारा एक और पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है खैबर डिजिटल पे, हम आपको जो वीडियोस वगैरह दिखाते रहते हैं, तो खैबर डिजिटल से पॉडकास्ट वैरायटी और K2 से होती है, लेकिन खैबर डिजिटल पे एक रिसेंटली पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है, और वो एक बहुत कमाल सा एक बंदा है, मेरी तरह थोड़ा बहुत दिखता है, मेरी तरह बाल है, हेयर स्टाइल और मेरी तरह दाढ़ी है, वो करता है, साथ अमीन मशाल भी होते हैं। जी हाँ, मैं और अमीन मशाल, हमारा एक पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है रिसेंटली जिसका नाम है पश्तोइज्म, और इसमें होता क्या है ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ, और आपको कुछ देर बाद उसकी
कुछ क्लिप्स वगैरह भी दिखाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिएगा हमारे जो लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं नीचे स्क्रीन पर, पॉडकास्ट वैरायटी के क्योंकि, और खैबर डिजिटल पे के जाके इन्हें आप ज़रा ओपन कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, डेफिनेट चेक कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत कंटेंट आपकी पसंद का मिलेगा, बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें हम इधर बना रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। तो जो चीज़ आपको पसंद आएगी ऑफकोर्स उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि आपकी ये इस टाइप की चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम वो कोशिश करेंगे उस टाइप का और आपके सामने प्रेजेंट करें। ये फ़ायदा एक सोशल मीडिया में ये आ जाता है कि डायरेक्ट पता चल जाता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनके लिए हम ये सब कुछ ये कंटेंट बना रहे हैं उनकी पसंद क्या है, तो उसके मुताबिक केटर किया जाता है। कभी कभार कुछ चीज़ें आपकी पसंद की नहीं होंगी लेकिन वो ज़रूरी होंगी, तो वो भी खैर है आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन खैर अमीन और मैंने हमने बात की है, अमीन मशाल और मैंने हमारे जो पश्तोइज़्म पॉडकास्टर से बात की है कि जो हम एज ए नेशन एज ए कॉम, और सिर्फ पठानों की बात नहीं, इधर नहीं हुई, पठानों की भी हुई है लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की, कि हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं राइट, क्योंकि हम बढ़ तो नहीं रहे भाई, हम खड़े हो काफ़ी सालों से हम एक जगह पे खड़े ही रह गए, कुछ हद तक पीछे बल्कि हमने कुछ कदम पीछे लिए हुए, ये क्यों है, इसकी वजूहत क्या है? थोड़ा बहुत मजाक है, थोड़ा बहुत सीरियस बात है, थोड़ा बहुत कड़वा सच है, थोड़ा बहुत मिठास है बीच में। तो प्रोड्यूसर साहब क्या वो क्लिप हमारे रेडी है, क्या हम शेयर कर सकते हैं? तो आइए छोटी सी आपको उसकी झलक दिखाते हैं। जी नाज़रीन नाज़रीन, वो हमारे भाई जिन्हें पश्तो की ज़्यादा समझ नहीं आती, तो उनसे थोड़ी सी माजरत, मैंने कहा हल्का सा एक टच दे दे पश्तो का, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इतना हमारे ये पश्तो हज़ारा ये सराइकी इन एरियाज़ का इतना ओवरलैप है, इतना कल्चरल एक्सचेंज है और अल्फाज इतने ज़्यादा हम एक दूसरे की ज़ुबानों के इस्तेमाल करते हैं कि बहुत से हमारे नाज़रीन को कुछ हद तक समझ आ गई होगी। और ओवरऑल बात बस यही हो रही थी कि हम क्या चीज़ें भूल गए हैं जिसकी वजह से हम एक ही जगह पे खड़े रह गए, ना तरक्की खुद कर पाए, ना हमने अपने साथ वाले को तरक्की करने दी, ना अपने भाई को करने दिया, ना अड़ोस पड़ोस में किसी को हमने आगे बढ़ने दिया है। एक वो बना हुआ है ना हमारा, एक क्या कहते हैं, एक मैंटेलिटी बनी हुई है कि यार मैं चाहे मेरा जो भी हो, मैं तबाह हूँ जो गर्क हूँ, ये बंदा कामयाब ना हो, ये आगे ना बढ़े। सोच ये चाहिए कि यार चाहे मेरे दुश्मन भी है, ये भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूँ, और अल्लाह बस सबका भला करे। हमारे अपने जो कल्चर में जो वैल्यूज़ है, ऑफकोर्स सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा, मुझसे भूली हुई है या मुझे पता है मैंने इग्नोर की हुई है, और हम सब ने कुछ हद तक उसे नज़रअंदाज किया हुआ है, मे बी वी शुड उस पर थोड़ा बहुत हमें और तवज्जो देनी चाहिए। तो फुल पॉडकास्ट के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं खैबर डिजिटल, वहाँ पे अपलोड हुआ हुआ है, पख्तोइज़्म पॉडकास्ट का नाम है, बाय उस्मान अमीन एंड अमीन मशाल अमीन स्क्वेयर। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर आप लोग स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, अभी लाइव वो आपके मैसेजेस मैं शेयर करूंगा और उनका जवाब दूंगा। और कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो इसी वक्त लाइव आपके साथ उस पे उसके वाले से बातचीत होगी। उसके अलावा हमारा लैंडलाइन नंबर भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और दिल पे कोई भी बात हो, मुझसे कहना चाहते हैं, किसी और से कहना चाहते हैं, तो यही मौका है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कॉल कीजिए। और आपकी कॉल का हम वेट तो करेंगे, लेकिन सिर्फ बैठ के वेट नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरह अभी पॉडकास्ट में बात हुई, एक जगह पे खड़े रह गए तो खड़े नहीं रहना भाई, आहिस्ता आहिस्ता चाहे बहुत स्पीड ना हो, एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो है आसिम रियाज भाई की, हमारे बहुत मजे के एक रिपोर्टर है, इस्लामाबाद सेंटर से वो प्रोग्राम करते हैं पब्लिक आय। पब्लिक आय में क्या होता है, पब्लिक की एक आंख होती है ना भाई, पब्लिक आय यार नाम में ही है। एनीवे इसमें इश्यूज जो होते हैं इस्लामाबाद पिंडी और इर्द गिर्द इलाकों के, डिफरेंट शहरों से होता है लेकिन ये इस्लामाबाद पिंडी का है, और वहाँ पे जो इश्यूज होते हैं उस पे एक रोशनी डालते हैं, पब्लिक को जो मसाइल दरपेश होते हैं, आसिम रियाज भाई वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद से बातचीत करते हैं। ये जो क्लिप है ये बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल की पार्किंग माफिया के हवाले से है कि उनसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, जितनी मर्जी उन्हें टिकट काट लिया, जितने को उन्हें काट लिया, जो कर लिया कर लिया, कोई उनसे पूछ गुछ नहीं है उसके हवाले से है। और इसकी रीच जो है
वो है 7,59,000। जी हाँ, 7,59,000 तक इसकी रीच गई है। चलते जरा आसिम रियाज भाई की एक क्लिप देखते हैं। जी नाज़रीन हाज़रीन, वेलकम बैक। हम छोटी सी ब्रेक से वापस आ गए और पता नहीं आज आप लोग मुझसे खफा है या क्या चक्कर है कि ना आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं, ना आप लोग लैंडलाइन पे कॉल्स कर रहे हैं। कॉल्स तो आप बिल्कुल कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे आप व्हाट्सएप पे कॉल्स कर रहे हैं। तो भाई व्हाट्सएप पे कॉल मत करें, व्हाट्सएप पे कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ क्योंकि अगर मैंने कॉल पिक की सर मैं बात कर पाऊंगा और हमारे बाकी व्यूअर्स आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो प्लीज आप कॉल जो कर रहे हैं वो लैंडलाइन नंबर पे कीजिएगा, मैसेजेस आप व्हाट्सएप नंबर पे कीजिएगा, जो दोनों नंबर आप लोग आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। उसके अलावा पॉडकास्ट वैरायटी, खैबर डिजिटल, K2 के जितने भी लिंक्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं जरूर आप चेक कीजिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, आपको कॉन्टेंट बहुत पसंद आएगा। कॉन्टेंट की बात करते तो अभी आसिम रियाज भाई का जो अभी बहुत मजे का हमने क्लिप चलाया जो कि बेइंतहा वायरल हुआ था, पब्लिक आई का क्लिप था और ये हॉस्टल की पार्किंग के हवाले से। यार सोचने की बात है ना, ठीक है कि एक बंदा मरीज को लेकर आया हुआ है और जो वहाँ पे बैठे हुए जो कि पार्किंग मैनेज कर रहे हैं उन्हें पता है कि यार अभी ये देगा 50 क्या है यार, हमने अगर 100 भी मांगे क्या पता वो भी मजबूरन दे दे क्योंकि इसने टेंशन पड़ी हुई, इसने मरीज को लेकर जाना है। ठीक है, तो जितना इसे तुम क्या कहते हैं पैसे मार सकते हो मार लो यार। ठीक है, चलता है, हर जगह पे होता है, सिर्फ हमारी तरफ नहीं है, बाहर मुल्कों में भी थोड़ा बहुत होता है। तरीके तरीके से उन्होंने अपने तरीके निकाले हुए, लेकिन इतना एहसास होना चाहिए कि यार हॉस्पिटल है, मरीज को लेकर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये बात जो है लोगों को फील हुई है, जो इधर लोगों ने जो अपना गुस्से का जो इजहार किया इस वीडियो में, तो इसलिए इतनी इसकी इतनी ज़्यादा व्यूज़ थे, इसकी रीच थी 7,59,000 इसकी रीच थी। अच्छा जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक बहुत मजे का एक प्रोग्राम होता है जान जान बलोचिस्तान। और जी हाँ, हमारे क्वेटा सेंटर से बहुत मजे का प्रोग्राम हर वीक आप लोग देखते हैं। ये 22 अक्टूबर 2022 का प्रोग्राम है और इसकी जो रीच है वो है 1.4 मिलियन। जी हाँ, 14 लाख लोगों तक इसकी रीच गई है और ये तो आखिरी है भी ना, आखिरी की इससे भी ज्यादा है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्लिप है आज की और ये इसमें जो बात की है, ये जो हमारी कल्चर की जिस तरह पहले बात होती चारपाइयों वगैरह की, तो ऑफ कोर्स कल्चर से अपनी जितना हम ये मॉडर्न लाइफ में घुसते जाते हैं तो थोड़ी बहुत अपनी ट्रेडिशन से दूरी आ जाती है, लेकिन वो रोमांटिसाइज करते हैं हम फिर भी उन चीज़ों को, भूलते बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए तो इसकी इतनी ज़्यादा व्यूज़ आई है और लोगों ने इतना ज़्यादा इसे पसंद किया कि हम जो ट्रेडिशनल जो हमारे बर्तन होते थे तांबे के या लोहे के या सिल्वर के जो होते थे और उसमें जिस तरह चीज़ें प्रेजेंट की जाती थी, हाथ धोने के बर्तन होते थे, खाना खाने के होते थे, खाना पेश करने के होते थे और ख़ास तौर पर इस पर जिस वीडियो में जिस चीज़ को एम्फसाइज किया गया है, तेल जिस चीज़ में रखते थे। तो चलते हैं एक क्लिप देखते हैं जान जान बलूचिस्तान का। यार बेहतरीन अमानुल्लाह साहब, आपका तो यार क्या ही कहे यार, कमाल है, बहुत मज़े से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने प्रेजेंट किया है हमारी ये हिस्टोरिकल चीज़ों को अपनी एक ब्यूटीफुल कमेंट्री के साथ। वो बदबख्त हो या वो इंसानी चमचे हो, लेकिन जो मेरा फेवरेट था उसमें वो ये था कि आजकल जो माजत से उनके अल्फाज है, डिस्को खवातीन है, कहते हैं उनसे नहीं हो गए मेचन, ये जो पुरानी खवातीन होती है जो लस्सी और वो मक्खन खाने वाली खवातीन होती थी उनसे मेचन वो चला लेती थी, कहते आजकल नहीं होता। वेरी नाइसली प्रेजेंटेड अमानुल्लाह साहब, इसलिए तो आपकी टीवी पे भी इतनी व्यूअरशिप होती है और फिर सोशल मीडिया पे इसकी 1.4 मिलियन, 14 लाख लोगों तक इसकी रीच हुई इस वीडियो की। तो डेफिनेटली कुछ तो बात है, ऑनेस्टली मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। जी नाज़रीन, अच्छा मैं प्रोग्राम में वीडियोस तो हमारे पास और भी है लेकिन टाइम हमारे पास कम है, तो एंड में एक आखिरी क्लिप आप लोगों को दिखाता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दोबारा बोलूंगा कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं, पॉडकास्ट वैरायटी हो, K2 हो या खैबर डिजिटल हो, तो जरूर आप उन्हें चेक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये भाई फिर व्हाट्सएप पे कॉल करें यार, ये मैं कट कर रहा हूँ, ये देखो व्हाट्सएप पे कॉल मत करो, शो पे कॉल करना था, शो अभी टाइम खत्म हो गया। तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
हमारे चैनल्स को और जो पॉडकास्ट सॉरी पॉडकास्ट जो अभी हमारी रिलीज हुई है आज ही खैबर डिजिटल पे पश्तूइज्म के नाम से मेरी अमीन विशाल की, वो जरूर देखिएगा। उसके वाले से अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और किस टाइप का कंटेंट आपको फ्यूचर में चाहिए। एंड में जो हमारे पास एक लास्ट क्लिप है वो है प्रोग्राम इंतजामिया की, जो कि किरण जमान करती थी इस्लामाबाद से, 28 अक्टूबर 2022 पे चला था। और इसकी जो रीच है वो है, पहले 1.4 मिलियन थी, अब है 14 मिलियन जी 14.8 मिलियन लोगों तक इसकी रीच गई है। बहुत वायरल हुआ है ये वाली क्लिप। और ये रेट लिस्ट के हवाले से थोड़ी सी एक जो क्या कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर थे इस्लामाबाद के और एक दुकानदार थे, उनकी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, बहुत अगर पोलाइट अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। जो दुकानदार साहब थे वो अपनी रेट लिस्ट ना पेश करना, अपनी मर्जी से चीज़ें बेचने की जो उनकी जो पकड़ हुई थी उसे बचाने के लिए थोड़ा बहुत बहुत जोश में आ गए थे। तो चलते हैं, आप लोग को ये क्लिप दिखाते हैं और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।